चलिए लेट स्टार्ट विद आर फर्स्ट चैप्टर लाइक यूनिट वन एंड इंट्रोडक्शन इट्स ऑलमोस्ट यू हैव डन यू माइट है टेक्स्ट है हमारी सिक्स लिम्स हैं इसमें एक प्रमाणम है रूपभेदा है प्रमाण का मतलब क्या होता है मेजरमेंट प्रपोर्शन एंड स्ट्रक्चर मतलब आप उसको कैसे uh, प्रमाण हिंदी में वर्ड होता है ना कि कितना मेजर किया हुआ है आपने तो प्रमाणम का मतलब ये होता है रूप वेदा क्या होता है रूप मतलब किसी की अपियरेंस तो द नॉलेज ऑफ फॉर्म एंड अपियरेंस करेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रमाण है एंड रेस्ट ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ प्रमाणम अगेन प्रमाणम मीन्स करेक्ट मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब भाव भाव मतलब क्या होता है भाव हिंदी में भी

बिल्कुल हम उसको बिल्कुल रिजेंबलेंस उसकी बिल्कुल सेम बना लेते हैं तो हमारे पास ये जो है इसका थर्ड ऑप्शन जाएगा रिजेंबलेंस एंड सिमिलीट्यूड एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट फॉर वर्निका भंग वर्निका भंग इज अ आर्टिस्टिक मैनर ऑफ लाइक होल्डिंग आर्ट मटीरियल एज ब्रशेज और ये सब कुछ हमारा जो है दैट इज इन वर्निका भंग uh, अब ये जो हमारे सिक्स लिम्स हो चुके हैं याद रखना हमारे लिम्स हैं वो सिक्स हैं देन स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट इज पॉइंट सबसे छोटा क्या है पॉइंट है तो हमारा जो सबसे स्मॉल एलिमेंट रहता है विथ द हेल्प ऑफ डैश वी कैन स्टार्ट एनी टाइप ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट हम किस से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट ही हमारा पॉइंट मैं कोई ड्राॅइंग कर रही हूँ तो आई जस्ट टेक अ ऑन पॉइंट एंड देन सेकेंड स्टेप इज लाइन वो लाइन आपकी कैसे भी हो सकती है है ना देन uh, है डैश शो फोर्स ग्रेविएशनल पुल एंड स्टेबिलिटी बैलेंस एंड पीस क्या चीज़ें दिखाती है कौन सी लाइन्स हैं वो जो हैं वर्टिकल लाइन्स वर्टिकल लाइन्स जो है हमें फोर्स और ये ग्रेविशनल पुल ये सब जो चीजें हैं वो हमें वर्टिकल लाइन से रहती हैं डैश सिग्निफाई स्टेबिलिटी फ्लैटनेस एंड एट रेस्ट एंड पीस कौन सी लाइन जो हैं वो uh, जैसा एट रेस्ट मान लो लेटना भी है तो ये लाइन है शांत से शांति के लिए भी ये लाइन्स रहती हैं स्ट्रेट कर्वीज एग्जैक्ट डाइग्नल हॉर्जोंटल लाइन्स आर ऑल वर्ड्स टू डिस्क्राइब ये सब क्या है कोई फॉर्म नहीं है कोई रिदम नहीं है कलर नहीं है दीज आर लाइन्स शेप इज डैश डायमेंशनल वेयर इज़ फॉर्म इज डैश डायमेंशनल शेप जो है वो हमारी टू डायमेंशनल होती हैं और जो फॉर्म है वो हमारी रहती हैं थ्री डायमेंशनल ठीक है शेप uh, क्या है मान लो हमारा ये स्क्वेयर है और फॉर्म क्या है इट इज़ दस क्यू आपका क्यूबॉइड जैसा भी रहता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब शेप शेप हमारा जो इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब द एलिमेंट दैट कंसर्न विद हाइट विथ दैट इनक्लोज स्पेस ठीक है फॉर्म्स आर डैश डायमेंशनल शेप्स फॉर्म जो है वो थ्री थ्री डायमेंशनल शेप रहती हैं अभी आपको बताया ना फॉर्म शेप जो है वो हमारी टू डायमेंशनल होती हैं देन डैश आर थ्री डायमेंशनल हैविंग हाइट वेट हाइट विथ एंड डेप्थ किस में रहती हैं ये सारी चीजें फॉर्म में अ फॉर्म इज अ बैलेंस इन विच बोथ साइड्स ऑफ कॉम्पोजिशन हैव द सेम एलिमेंट्स इन द सेम पोजिशन एज एन इमर सॉरी मिरर इमेज एंड टू साइड्स ऑफ द फेस इज नोन एज सिमेट्रिकल जिसमें आपको दो आमने सामने जो चीजें बिल्कुल मान लो आपके सामने मिरर के सामने दो चीजें रख दी है तो वो सिमेट्रिकल आएगी सिमेट्रिकल तो नहीं होगा फॉर्म इज अ शेप ऑफ वॉल्यूम एंड मास राइट डैश इज द्लेस ऑफ जगह क्या रहेगा खाली जगह क्या कहेंगे आप पेंटिंग कर रहे हैं आसपास स्पेस बच जाता है तो डिज स्पेस विच एलिमेंट्स ऑफ आर्ट रेफर एरिया बिट्वीन अराउंड एंड विद इन द थिंग्स कौन सा एलिमेंट है जो एरिया को लाइक डिपिक्ट करता है लाइक है ना स्पेस इज द राइट वर्ड एरिया और पार्ट ऑफ एन आर्टवर्क दैट द सब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड दैट इज पॉजिटिव स्पेस जो भी हमारा स्पेस रहता है दैट इज पॉजिटिव स्पेस इन आर्ट नेगेटिव स्पेस इज द इल्यूजन ऑफ मोशन जहां पर हमें इल्यूजन ऑफ मोशन का फील होता है दैट इज नेटिव स्पेस टेक्स्चर रेफर्स टू द डैश ऑफ मटीरियल इधर विजुअल और टेक्सटाइल इट इज सरफेस क्वालिटी हम कहते हैं ना कि किस जगह का टेक्सचर कैसा इस शीट का कैसा एक्सप्लेन कहीं पे रफ वर्क है तो वहां रफ टेक्सचर है देन सॉफ्ट हार्ड स्मूथ रफ आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचर ये सब जो एग्जाम्पल uh, हैं ये टेक्सचर के हैं देन रेड एंड येलो मिक्स टूगेदर फॉर्म द कलर रेड और येलो जो है हमारा मिक्स करने से ऑरेंज बनता है वेन वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर विल मिक्स एंड वी गेट डैश कलर तो हमें कौन सा कलर मिलता है प्राइमरी कलर जो होते हैं हमारे फर्स्ट रेड येलो ब्लू एंड देन सेकेंडरी कलर्स होते हैं कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिक्स करने पे सेकेंडरी बनता है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिक्स करने पे हमारा टर्शरी कलर रहता है राइट व्हाट आर प्राइमरी कलर्स प्राइमरी कलर्स आर ट्रू कलर्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर आपको पता ही है कि प्राइमरी कलर्स को हम किसी को भी ऐसा करके मिक्स करके नहीं बना सकते हैं ब्लू एंड डैश मेक ग्रीन ब्लू और जो ब्लू में अगर हम येलो मिक्स करते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है राइट देन डैश एंड येलो मेक्स ऑरेंज अगेन पता है रेड एंड येलो मिक्स ब्लू और रेड से बनता है हमारा मैजेंटा कलर ब्लू एंड रेड से राइट इट इज नो इट इज वॉयलेट ब्लू एंड रेड से हमारा वॉयलेट बनता है सॉरी मैजेंटा नहीं है क्योंकि uh, इसमें अगर रेड की जगह लिखा निकलता तो और बेटर रहता है बट चलिए नेक्स्ट वॉट इज़ द वैल्यू विद रिगार्ड्स टू कलर इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कलर रेफर योर प्योरिटी एंड कलर से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन रहेगा इट इज इट इज अ डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर एंड वैल्यू क्या रहता है वैल्यू इज द लाइटनेस एंड द डार्कनेस ऑफ द कलर सो विल गो फॉर दिस ऑप्शन वट इज इंटेंसिटी विद रिगार्ड्स टू कलर इंटेंसिटी क्या होता है इट इज द ब्राइटनेस एंड डरनेस वैल्यू इज द डार्कनेस एंड द लाइटनेस और इसका है ब्राइटनेस एंड द डलनेस हम ये पूछते हैं कि इसकी वैल्यूज uh, इसमें जितनी वैल्यूज का मतलब हम लाइट एंड डार्क में ले जाएंगे और इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस एंड डलनेस डैश इज वॉट द आई सीज वैन लाइट इज रिफ्लेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज कलर ये तो आपको खैर आपने साइंस में भी पहले पढ़ा हुआ है काफ़ी टाइम पहले भी सो so, कलर जो है हमें कलर पे जब चलिए लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है देन कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉगस एंड मोनोक्रोम्स आर द कलर स्कीम्स मोनोक्रोम आपको पता होना चाहिए कि एक ही कलर के डार्क एंड लाइट का यूज लगते हैं और ये दोनों आपकी कलर व्हील में कॉम्पलीमेंट्री एंड एनालॉगस कलर स्कीम्स होती हैं अगर आपको कलर व्हील की पूरी नॉलेज है तो रेड येलो एंड ऑरेंज आर कंसिडर वट टाइप ऑफ कलर्स रेड येलो और ऑरेंज आप देखो सन में भी अगर हम कलर करते हैं तो ये ऐसे कलर्स का शेड चाहिए तो दीज आर बॉम कलर्स दीज कलर्स आर क्रिएटेड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर्स वॉट आर दे ऐसे कौन से कलर्स हैं जिनको हम दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाते तो दीज आर सेकेंडरी कलर चूज द टर्म दैट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स कलर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वैल्यू एंड इंटेंसिटी अभी हमने यू इज द लाइक ओरिजिनल कलर वैल्यू इज द डार्कनेस एंड लाइटनेस

और कलर दैट कैन वेरी इन वैल्यू एंड इंटेंसिटी दैट इज मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर का डार्क एंड लाइट अगर हमारा रहता है तो दैट इज मोनोक्रोमेटिक ब्लू ग्रीन वॉयलेट्स एंड देयर वेरियंट्स टिट्स टोन्स एंड शेड्स आर नोन एज कूल कलर्स ब्लू ग्रीन आ गया टिंट्स एंड शेड्स टिंट्स एंड शेड्स वर्ड आ गया टिंट इज द लाइटनेस ऑफ द कलर शेड्स आर द डार्कनेस आप शेड सोचो ना शेडो शेडो वर्ड सोचो कि अंधेरे में आपकी शेडो जो है ब्लैक uh, कलर की बनती है तो शेड्स अगर हम किसी कलर में ब्लैक ऐड करते हैं दैट इज शेड एंड अगर हम किसी कलर में वाइट ऐड करते हैं तो उसका वो टेंट होगा रेड में अगर वाइट करते हैं तो पिंक बनता है तो आपका वो टेंट है उसका राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर्स दैट आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वन ईच अदर ऑन द कलर वील वट आर दे कॉल्ड लाइक दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं लाइक like आमने सामने बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर विच ऑफ़ द फॉलोइंग्स फॉलोइंग कलर इज़ नॉट प्राइमरी कलर प्राइमरी कलर आप देखिए कौन सा रेड येलो ब्लू तो हमारे है ही है तो ग्रीन इज नॉट प्राइमरी कलर इट इज सेकेंडरी कलर क्योंकि ये रेड एंड येलो की मिक्सिंग से बनता है एंड सॉरी ब्लू एंड येलो की मिक्सिंग uh, से बनता है कलर्स दैट सिट नेक्स्ट टू वन अनदर ऑन द कलर व्हील कलर व्हील जैसे बना होता है तो उसके आस पड़ोस में जो कलर्स होते हैं uh, उन कलर्स को हम एनालॉगस कलर कहते हैं uh, आप ये जो उसके पड़ोसी में रहता है ना कलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रेड येलो ब्लू आर प्राइमरी कलर्स राइट ये तो हमारा फर्स्ट ही ट्रू है ना अदरवाइज रेड येलो ग्रीन भी नहीं है ब्लू ऑरेंज वायलेट आर प्राइमरी नो एंड रेड येलो ब्लू भी कूल कलर्स नहीं है राइट है ना एडिंग ब्लैक और वाइट टू अव क्रिएट्स द अ चेंज इन दैट इज़ टोन टोन चेंज होती है लेकिन टेंट्स एंड शेड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कलर विद ब्लैक और ग्रे एडिट टू इट इज़ कॉल्ड टोन राइट right? है ना इसमें शेड का ऑप्शन नहीं दिया टिंट हम इसको कह नहीं सकते टिंट हमारा जो है वो वाइट कलर के एडिशन के बाद रहता है है ना देन आपके पास नेक्स्ट आता है कलर विद द वाइट एडिट टू इट इज़ कॉल्ड दैट इज़ टिंट है ना जो हमारी पहले भी बात आपको मैंने बता दी है विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट लाइन फॉर्म रिदम एंड कलर रिदम नहीं है रिदम जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट नहीं है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है इसमें आपके पास रिदम नहीं आता लाइन फॉर्म एंड कलर रहता है ना इन अ पेंटिंग भी वट एलिमेंट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एक पेंटिंग में लाइन भी चाहिए कलर भी चाहिए टेक्सचर भी चाहिए तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर बिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सी सही है इसमें से आप लाइन फॉर्म कलर्स आर प्रिंसिपल ऑफ आर्ट रॉन्ग दीज आर द एलिमेंट्स है ना लाइन फॉर्म कलर आर एलिमेंट्स राइट ये एलिमेंट्स हैं और uh, ये प्रिंसिपल नहीं है लाइन एंड इसमें आते हैं जो प्रिंसि सॉरी uh, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपके उस बैलेंस रहता है उसमें टेक्सचर होता है है ना तो रिदम होता है वो सब जो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में रहते हैं ना तो आपके इसमें रहेगा बट विच प्रिंसिपल ऑफ आर्ट रेफर्स टू हाउ आर्ट एलिमेंट्स हेल्प डायरेक्ट टू अ अर्स आई कौन सा जो है ऐसा एलिमेंट uh, है जो व्यूवर्स की आई को एकदम थ्रू आउट द वर्क हेल्प करता है लाइक like, डायरेक्ट करता है व्यूअर की आंखों की किस तरफ डायरेक्शन कौन सा देता है लाइक इट इज मूवमेंट आप ये पता चलता है कि हाँ इधर पहाड़ ये वो करते करते कौन सा एक एलिमेंट है जो एक वो मोवमेंट एलिमेंट है जिससे पता चलता है कि कैसे ड्राइंग जो है वो वर्क कर रही है है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट डोमिनेंस रिदम बैलेंस कलर कलर जो है हमारा उसमें आता है uh, आपका एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में राइट इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट अ डैश इज अ डिजाइन इमेज एंड शेप रिपीटेड टू द कॉम्बिनेशन टू मेक एन आर्ट वर्क अपीलिंग कौन सी चीज है तो अ मूवमेंट इज अ डिज़ाइन नो अ पैटर्न इज अ डिजाइन राइट पैटर्न इज अ डिज़ाइन तो प्रपोशन नहीं हो सकता फॉर्म नहीं हो सकता नेम द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दैट कनेक्ट अ वराइटी ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एंड टू द आर्ट कौन सा चीज है जो हारमोनी है जो वो सबको जोड़ के रखती है ये तो आपको वर्ड से भी क्लियर हो जाएगा टू डायमेंशनल आर्टवर्क हैव हाइट विथ बट नॉट क्या है uh, उसमें ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता देन नॉट डेप्थ ठीक है अ फॉर्म ऑफ बैलेंस इन विच बोथ साइड ऑफ द कॉम्पोजिशन द सेम एलिमेंट इन द सेम पोजिशन एज एन मिरर इमेज और टू साइडेड ऑफ अ फेस इज साइड हमने पहले भी मिरर इमेज वाला पढ़ा वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दैट डील्स विद द फीलिंग ऑफ मोशन मोशन अगर वर्ड आ गया जहाँ फीलिंग है motions, तो दैट इज मूवमेंट इससे वर्ड पता क्लियर है नेम द थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंस बैलेंस कौन सा फॉर्मल इनफॉर्मल और रेडियल है फोरग्राउंड ग्राउंड मिडल ग्राउंड बैकग्राउंड कंट्रास्ट कॉम्पलीमेंट्री ये स्कीम्स हैं वार्म कलर ये कलर्स हैं देन फॉर्मल इन फॉर्मल बैलेंस है फॉर्मल बैलेंस है एंड रेडियल बैलेंस ये आपका जाएगा फॉर्मल बैलेंस इज अनदर वर्ड ऑफ फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस फॉर्मल बैलेंस जो है वो सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए इनफॉर्मल जो है हमारे पास असमेट्रिकल रहता है द टर्म यूज टू डिफाइन द दल्यूजन ऑफ डिस्टेंस डेप्थ एंड थ्री डायमेंशन फ्लैट प्लेन इन ड्रॉइंग पेंटिंग इज प्रस्पेक्टिव जहाँ से आपको प्रस्पेक्टिव क्या है ना दूर की चीज़ हमें छोटी दिखनी है तो एल्यूजन जो है हमें इसी से ही ये जो क्रिएट uh, होता है बैलेंस इज अ थ्री टाइप फॉर्मल इनफॉर्मल एंड रेडियल हमने रेडियल पढ़ा था रिदम इज डैश रिदम जो है दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पहले तो हमें यही मालूम है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जहाँ पे है दैट यूज रिपिटेशन टू शो विजुअल मूवमेंट रिदम का मतलब ही हमारे विजुअल मूवमेंट को uh, दिखाता है एंड देन हमारे पास ट्रूफॉल्स वैसे आते नहीं है लेकिन आप फिर भी आपको मालूम होना चाहिए करना चाहिए आपको लेवन्य योजना इज लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रॉन्ग लेवन्य योजना जो है वो ब्यूटी को डिपेक्ट करता है लेवन्य मैंने बताया था ना आपको स्पेस इज दीनेस एर एरिया बिटवीन अराउंड अब बिलो द विद इन द ऑब्जेक्ट रे आर ट्रू स्पेस तो आपको ट्रेक्शर इज हाउ फीलिंग फील और गुड लाइक इफ यू टच ट्रू हारमोनी रेफर्स टू दूनिफॉर्म रिपीटेशन रिपीटेशन वर्ड हारमोनी में नहीं आता ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ हार्ट दैट कॉम्बिनेशन टू दिस एंड दिस इज फॉल्ट एम्पोसिज एन एरिया ऑफ द कॉम्पोजिशन विच सर्टेन एलिमेंट्स एज्यूम मोर इम्पोर्टेंस देन अदर्स हा राइट एम्फोसिजन कोई एक चीज को लाइक like, व्यूवर की अटेंशन के लिए उसको बना दे देन एम्फेसिस एरिया राइट ही हो गया है स्टाइलाइजेशन रेफर्स टू द डेकोरेटिव जनरलाइजेशन ऑफ फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट राइट ट्रू डायग्नल लाइन गिव सेंस ऑफ मूमेंट एंड ड्रेसलेसनेस राइट ट्रू एंड कलर इज अ प्रॉपर्टी प्रपोज बाई एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूज डिफरेंट सेंसेशन विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या कलर का आपको मालूम ही है देन वेन uh, वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर मिक्स वी गेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं रहता कलर रहता है ब्लैक वाइट एंड शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे आर लो इंटेंसिटी वराइटी ऑफ प्राइमरी कलर्स नहीं प्राइमरी कलर्स का नहीं है ये हमारा रॉन्ग है इसका ऑप्शन देन डोमिनेस एम्फेसिस इज द स्ट्रेस इंस्टेंस डोमिनेट एंड एम्फेसिस वही आपको मालूम है कि एक चीज़ पे स्ट्रेस देना लाइक पूरी एक पेंटिंग है ग्रे पेंटिंग है ऊपर एक रेड डॉट है दैट इज़ लाइक डोमिनेंस एंड एंड एम्फेसिस सेकेंडरी कलर्स आर दोज हु विच कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाई मिक्सिंग ऑफ एनी टू कलर्स रॉन्ग क्योंकि वो प्राइमरी कलर्स हैं जो किसी की मिक्सिंग से नहीं बनते प्रोपोर्शन इज द साइज एंड पार्ट इन रिलेशन टू होल एंड टू वन एन अदर ट्रू प्रपोशंस के एक दूसरे का राइट है ना यूनिट इज अचीव वेन द कॉम्पोनेट्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट एंड प्रिस एज हारमोनियल गिविंग द वर्क ऑफ सेंस ऑफ कंप्लीसन ट्रू यूनिटी का रहेगा वर्निका बंग रेफर टू आर्टिस्टिक मैनर ट्रू वर्निका का मतलब ये कि आप उसको किस तरीके से आप ब्रश पेन और ये सबको पकड़ के काम करते हैं देन अगर आपके पास ये आते हैं वैसे तो ऐसा मैच तो अकॉर्डिंग नहीं आता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके एम सी हेल्प करते हैं रूप भेदा है रूप जो है लुक्स का है इधर हो गया प्रमाण है जो मेजरमेंट है भाव जो है एक्सप्रेशन और फीलिंग है देन लवन्य योजना में एस्थेटिक कॉम्पोजिशन हो गया ना देन शेप जो है और फॉर्म्स से आपको शेप और फॉर्म में पता होना चाहिए शेप इज टू डायमेंशनल फॉर्म इज थ्री डायमेंशनल कलर है वेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड दिस एंड टेक्स्र इज हाउ थिंग्स फील एंड लुक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जर्शन एंड रीजनिंग का एक टॉपिक और भी आ सकता है आप इसको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएंगे uh, अगर हमने आंसर वन टू थ्री फोर इनमें से कुछ भी देना है एक है जिसमें आपको दोनों लाइंस बिल्कुल सही लगेंगी लेकिन जो है दोनों का आपस में uh, ऐसा लगेगा कि ए और जो दोनों की बातें जो हैं वो एक ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना right. राइट फिर हम वन लगाएंगे बोथ ए आर एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो सकता है वो दोनों बातें सही कही हो लेकिन वो ए के साथ जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है देन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल और ये आपको तो क्लियर हो ही जाएगा ना इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी लेकिन फर्स्ट टू में बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसमें क्या है अगर आपको दोनों लाइनें ठीक लगती हैं तो करेक्ट correct... और ये लगता है कि जो सेकेंड रीजनिंग है वो उससे ए से जो है कनेक्टेड uh, है तो देन आप उसको फर्स्ट का आंसर दे सकते हैं शेप इज टू डायमेंशनल इट हैज़ ओनली डेप्थ एंड विथ तो शेप इज टू डायमेंशनल राइट पर उसकी डेप्थ और विथ डेप्थ नहीं होती है uh, उसकी विर्थ तो होती है लेकिन डेप्थ नहीं होती डेप्थ हमारे इसमें नहीं रहता शेप में वो फॉर्म में रहता है टर्शरी कलर आर मेड बाय द दिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर टुगेदर ओके वॉयलेट एंड ब्लू आर मिक्स टुगेदर टू गेट अ इंडिगो राइट ये देखो मिक्सिंग की बात भी चल रही है और इसके बाद हमारे पास जो है इसका uh, वो भी रहेगा देन पॉजिटिव स्पेस रेफर्स टू द स्पेस ऑफ शेप रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इट समाइम इंक्लूड द स्पेस अराउंड एंड बिटवीन ये बिटवीन नहीं होता हमारा आप आ, देखो स्पेस uh, क्या रहता है स्पेस हमारे पास ड्राइंग uh, है मैंने बीच में इधर ड्राइंग बनाया जो आउटर स्पेस बचता है जो ये मैंने स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे किया है है ना तो वो हमारा इसमें रहता है ये बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर में नहीं रहता स्पेस ड्राइंग है इसके बीच का स्पेस नहीं माना जाता वो तो ड्राइंग का पार्ट हो गया ना तो फॉर्मल बैलेंस इज अचीव बाय द आर्टिस्ट प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन द वर्क इन एन इक्वल साइडेड अरेंजमेंट फॉर्मल राइट ये द टू पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट लुक लाइक एनर इमेज लाइक दोनों का जो है कॉम्पोजिशनल दोनों एक तरह की मिररर इमेज ही है तो दोनों बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट है ना ओकेल बैलेंस ऑकर्स वे आर द थिंग्स ऑन बोथ साइड

तो uh, दोनों सेम है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट देन प्रोपोर्शन इज द साइज ऑफ पार्ट इन रिलेशन टू अ होल एंड टू वन अनादर एंड द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फेशियल फीचर्स इन रिलेशन टू द फेस एंड टू द वन अनादर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियलिस्टिक तो इट इज अगेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट वराइटी मीन्स अ यूज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू क्रिएट कॉम्पोजिशन वरायटी ऑफ कलर्स वराइटी ऑफ फॉर्म्स टेक्चर एटसेट्रा इज़ वट मेक आर्ट क्राउडेड नो दिस इज़ नॉट ये सब कुछ नहीं है कि आर्ट को कोई क्राउडेड बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है वरायटी मीन्स यूज ऑफ वेरिएशन एलिमेंट्स ऑफ कलर्स बट ऐसा कुछ नहीं ये सब कुछ एटसेट्रा वट मेक आर्ट क्राउडेड भीड़ बनाने के लिए नहीं है उसको अरेंज्ड बनाने के लिए यूज होता है सो आर इज स्ट्रॉन्ग ठीक है ठीक uh, 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 है थैंक यू बाकी क्वेश्चंस इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ बैलेंस आपको पता है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और रेडियल है इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं बाकी आप इसकी एम को बहुत अच्छी तरह करिए आपने क्लास एलेवंथ में ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है और किसी को कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू